हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, पहले की तरह आपको दोबारा से गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम डेट क्या रह सकती है। अब एग्जाम डेट तो देखिए, आईबी का आपको पता है कि कुछ नहीं पता कभी लाइफ में। हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा आगे या थोड़े पीछे एग्जाम हो जाता है जहाँ तक मैंने देखा है, या फिर बिल्कुल ही अगर स्थिति अलग रही तभी अलग होगा, अदरवाइज तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत तो यहाँ पे ठीक हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। और अगर कोई आपको ये भी कह रहा है कि अब देखना ये वीडियो मैंने बना दी है तो इसके बाद बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, लोग डाटा जो ये वाला है वो ले लेते हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में भी दिख जाएगा, आप सर्च भी मारना आपको ये डाटा मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या होता है, कभी आप कोई चीज़ किसी को बता रहे हो, एक्सपेक्ट करा रहे हो उसको, ऐसा नहीं कराने कि आज मुझे रात को सपना आया, मैंने सुबह उसको बता दिया। अभी मेरे को रात को सपना नहीं आया कि यार नई वाली भर्ती का एग्जाम डेट कब होगा, मैंने एक्सपेक्ट करी है। एक्सपेक्ट उस करने के पीछे मेरे रिसर्च क्या है, देखो जब भी कोई आईबी का फॉर्म आता है ना, ये प्रोसेस 1 साल पहले से स्टार्ट हो जाती है कि भाई फॉर्म किस दिन पता चला मुझे, किस दिन वो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, किस दिन उसका लास्ट डेट था, किस दिन बच्चों को एडमिट कार्ड आया, किस दिन बच्चों को लास्ट में एडमिट कार्ड तक मिला, किस दिन बच्चों का एग्जाम था, क्योंकि किन किन बच्चों का एग्जाम डेट नहीं मिला, सारी डेट्स मैं लिखता हूँ। हर बच्चों से बात करनी पड़ती है उसके लिए, ये नहीं कि मैंने कहीं और से उठाया और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अभी आप देखना, ये मैं अभी आप लोग को ये बता रहा हूँ, आपको ये सेम सारी चीजें आपको वेबसाइट में और दूसरी वीडियोस में भी मिल जाएंगी, आपको सेम कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको ऐसे वैसे हल्का हल्का बता देंगे। बहुत सारे लोग देखते हैं तो वो कोई वीडियो बनाना होता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक दूसरे का देखते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, उसके पीछे 3-4 तथ्य मैं आपको दूंगा, ओके। और मेरा ये मानना है कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो ये मानो लगभग लगभग सही रहेगा, ओके। देखो अगर मैं बात करूं 2022 वाली भर्ती, हालांकि इसको 2023 बोलना चाहिए, 2023 में आया था ये, लेकिन 2022 लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। 1521 सिक्योरिटी असिस्टेंट की थी, एमटीएस की 150 थी, तो अप्लाई ऑनलाइन 28 जनवरी, जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूं, 28 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ था। हुआ यह था कि 17 में आ गया था फॉर्म, 17 जनवरी को इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें इन्होंने बोलता कि 10 दिन या फिर 8 दिन के बाद हम लोग दोबारा से इसका चालू करेंगे, अभी ये बंद होता है, ये आने के बाद दोबारा बंद हो गया था इसका, ठीक है, फॉर्म भरना। तो यहाँ पर क्या करा है, इसको दोबारा से करा गया है, हालांकि 17 में आ गया था, 17 जनवरी को। 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी, मुझे ये लगा 17 फरवरी के बाद, मैंने बच्चों को वीडियो में बताया, बच्चों को पर्सनली बताया कि यार कम से कम अभी 1-2 महीना तो लगेगा, हम ये मान के चलते हैं कि 2-1-2 महीने तो लगते हैं एग्जाम में। बच्चे पूछे सर इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, आप यकीन नहीं मानोगे, 1 ही महीने बाद बच्चों के एडमिट कार्ड की मेल आ गई थी, बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए थे। एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत गलत लगी कि कुछ बच्चों का 23 तारीख को पेपर था और 22 को भी एडमिट कार्ड आया था, 22 को भी एडमिट कार्ड आया था, ये चीज का आप ध्यान देना कि भाई 23 तारीख को यहाँ पे क्या था, 23 तारीख को यहाँ पे पेपर था और 22 के भी बच्चों के एडमिट कार्ड आए हैं, पता ही नहीं था उनको कि हमारा कहाँ पे पढ़ा है कैसे पढ़ा है, तो ये चीज मुझे थोड़ी गलत लगी। ओके, टीयर 1 आपका हो गया, फिर यहाँ पे टीयर 1 का रिजल्ट 2 जून को आ गया था, टीयर 2 का एडमिट कार्ड 26 जून को आ गया था, टीयर 2 का एग्जाम डेट 9 जुलाई को था, अभी रिजल्ट अभी आया है, उसकी डेट्स में पूरी लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो पूरी कॉपी हो जाएगा, ये मेरा डाटा है, मैंने टाइम लगाया, मैंने मेहनत करी इस चीज में, अगर कोई और लेता है तो थोड़ा बहुत दुख यहाँ पे होता है, ठीक है। इसलिए बस आपको इतना ही जानना है कि भाई टीयर 1, ठीक है, और लास्ट डेट में कितना फर्क आया, तो आप देखोगे 17 फरवरी को यहाँ पे आपका लास्ट डेट था और 24 मार्च को, यहाँ पे 23-24 मार्च को पेपर हो गया, तो आप ये मान सकते हो 30 से 35 दिन के बाद एग्जाम होना संभव है। अब ये है आईबी एसीआईयू की वैकेंसी जो लास्ट 2020 में आई थी, 19 दिसंबर को फॉर्म आए थे, 9 जनवरी लास्ट डेट थी, 18 को यहाँ पे पेपर हो गया था, 9 जनवरी और 18 फरवरी के बीच में 9 से 9 कितना हो गया, 30 दिन, और 9 और यानी कि 40 दिन, तो 40 से 45 दिन के अंदर में एग्जाम हो रहा है, 30 से 35 पहला है, 40 से 45 दूसरा है, दोनों चीजें बता दी आपको मैंने, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम हम ये मान के चलते हैं कि 40 दिन दोनों का अगर एवरेज ले लें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 40 दिन में आईबी एग्जाम करा देता है। आप यहां पे देखो इस बार की जो वैकेंसी आई है 2 दिन पहले, हालांकि 14 तारीख से ये स्टार्ट होगा, अभी 14 से स्टार्ट होना है अक्टूबर से, और अगले महीने नवंबर तक, 13 नवंबर तक ये चलेगा, फॉर्म ही चलेगा, ठीक है। अब हम पिछले बार वाले का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर हम चलें, हम ये मान के चलते कि 40 दिन में मैक्सिमम आपका एग्जाम हो जाएगा, तो कितना हो गया, 13
नवंबर से 13 दिसंबर प्लस 10 23 दिसंबर। अब ये भी देखना है हमने, क्या ये जो 23 दिसंबर है क्या ये फ्री है। सेम अगर एग्जाम लेवल जैसे 10th लेवल का एग्जाम अगर कुछ और हुआ है SSC और किसी और का, तो फिर ये एग्जाम नहीं होगा, ये होता ही है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिसंबर में है, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 और 1, 2, 4, 5 दिसंबर को है। ठीक है, ये नवंबर को है, दिसंबर में यानी कि हमारे पास 5 तारीख के बाद फ्री है। उसके बाद MTS का फरवरी में, फरवरी से पहले हो जाएगा। 22 दिसंबर और 31 दिसंबर को पेपर है CPO का और SSC JSD का, इससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन बेस है ये भी, मतलब हाई लेवल का है, तो ये आप ध्यान देना कि ये वाला हाई लेवल का है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 5 दिसंबर के बाद डेट बनती है। वैसे भी 23 दिसंबर मैंने बोला है आपको कि इसके आसपास एग्जाम होगा, तो आपके पास डेट बहुत सारी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दिसंबर के लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आपका फरवरी मार्च है, फरवरी में आपके MTS के पेपर है। तो जनवरी नहीं तो दिसंबर लास्ट मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका एग्जाम हो जाएगा दिसंबर तक में। अभी आपके पास कितना टाइम है, मान लो अक्टूबर के 20 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 10 दिन, 50 दिन, 50 डेज। हम लोग ये मान के चलते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तैयारी जो बच्चा पहले से कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 दिन आपके पास है, इस 50 दिन को आपने कैसे करना है, 50 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा एक दूसरी वीडियो में। 50 के 50 दिन में आपने कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, और अंत में मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि हमारे द्वारा कोर्स भी चलाया जा रहा है बच्चों के लिए, जिनको लगता है कि उनको ये लेना चाहिए। फोर्सफुली कोई नहीं कर रहा है आपसे, कोई मैं आप वीडियो से बाहर नहीं आ जाऊंगा और आपको जबरदस्ती नहीं बोल दूंगा। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको लगता है आपका फायदा है, आपका फायदा हो सकता है, तो आप जरूर उस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट इज डिपेंड अप टू यू कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ के लिए, बिकॉज दिस इज योर लाइफ, फैसला आपका होना चाहिए। आपको अच्छा लगता है आपने करना है, दूसरे की बात पे ध्यान नहीं देना है। आजकल आप किसी को भी राइट नहीं कह सकते हो, याद रखना है इस चीज को। स्कैमर भरे 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 पड़े हैं ऑनलाइन। ओके, किसी के कमेंट पे विश्वास मत करना, किसी के मैसेज पे रिप्लाई मत करना। आजकल तो ये भी तक पता है, जब लोग अपना नाम तक सही नहीं लिखते हैं, लोग नाम में क्या होता है, डेविल बॉय, एंजल गर्ल, ये सब मतलब क्या क्या लिखते हैं, नाम तक रियल नहीं है। और बंदा कमेंट करता है कि यार ये CIO ऐसा है, IB ऐसा है, नाम तक उस बंदे का रियल नहीं है, और वो बंदा कमेंट करता है ज्ञान देने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है। तो याद रखना, दूसरे का जब नाम तक रियल नहीं है, उसकी बातों को कैसे रियल मान सकते हो आप। ठीक है, तो स्कैमर भरे पड़े, ओके, इनके जाल में नहीं आना। आपकी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है, आपने फैसला खुद अपने आप लेना है, किसी से नहीं पूछना है, अपने माता पिता से पूछना है। अपने किसी और सर्कल में अगर आप पूछोगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ 50 दिन में क्या करेगा, फ्री वीडियो है आपके पास आएगी। 50 दिन में आपने तैयारी कैसे करनी है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा गाइड कराया एग्जाम में, आज भी गाइड करेगा। ओके, 50 दिन में क्या करना है ये मैं आपको बता दूंगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है, आज के बाद 10 वीडियो और आएंगी, वो भी देख लेना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसके आसपास ही मिलेगा। ठीक है, और आप को मैं वो दे दूंगा, और आपको एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी दे दूंगा, जो IBSA का सारा काम, IBSA का सारा पढ़ाई, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही है, एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी है, इसके हिसाब से तैयारी कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम कोशिश करना कि 100 में से 70 नंबर तो मारने हैं, इससे कम करोगे नहीं हो पाएगा। पेपर हार्ड आता है, इजी नहीं आता है। पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम लोग लेके आ जाएंगे आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।